मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज द यू नो द स्ट्रीम, द लेदर जो फ्लो हो रही है। और बाकी ये जो है ये पहलगाम का व्यू है, और मैं बात करूँ ये कॉन्वेंशन सेंटर है, ये बैक साइड में यहाँ पे आया हूँ आपको। بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आप सबका फहीम इस्लाम। और बिल्कुल हमेशा से आप जानते हैं कि जब भी मैं बात करता हूँ या जब भी आप सबके सामने एक वीडियो आती है मेरी, तो मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि कुछ ऐसे मौजूदात पे बात की जाए, कुछ ऐसे मेन सोशल इश्यूज़ या एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे बात की जाए जिससे समाज की अभी डायर नीड हो। एंड राइट नाउ यू पीपल विल बी अमेज्ड कि मैं इस टाइम पर पहलगाम में हूँ, कन्वेंशन सेंटर जो पहलगाम में है अभी हम यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि आज मुझे इनविटेशन मिली थी जेएनके टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि आज यहाँ पे जो बर्ड फेस्टिवल का प्रोग्राम होने जा रहा है, एंड फर्स्ट आवर कि जेएनके में ये फर्स्ट पहली बार हो रहा है यहाँ पे जेएनके जो बर्ड फेस्टिवल हो रहा है, और यही है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, इस चीज़ के बारे में बात की जाए, तो आज हम यहाँ पे मौजूद है। दिस इज रियली ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज द यू नो द स्ट्रीम, द लेदर जो फ्लो हो रही है। और बाकी ये जो है ये पहलगाम का व्यू है, और मैं बात करूँ ये कॉन्वेंशन सेंटर है, ये बैक साइड में यहाँ पे आया हूँ, आपको बाकी सारी चीज़ दिखाई जाएंगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अवेयरनेस की बात हो रही थी यहाँ पे। अभी बहुत सारे ऐसी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जो इस चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कश्मीर की बात की जाए ना, वी आर डेफिनेटली रीचिंग एवरीथिंग, बट द मेन थिंग इज शायद अवेयरनेस की कमी है, शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम शायद बात नहीं कर पाते। अगर वेटलैंड्स की बात की जाए, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए, कितनी ऐसी चीज़ें हैं, मैं बात करूँ मोर देन 500 स्पीशीज खाली वादी कश्मीर में है। हम बात करें जेंट के इन्वॉल्वड है, लेकिन उनमें से कुछ 32 ऐसी जो एक्सटेंशन पे है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ कि हम इनको प्रिजर्व करें, हम इनको प्रोटेक्ट करें, और किसी न किसी तरीके से वादी कश्मीर को कुछ अच्छा सा दे, ताकि मुस्तकबिल जो है ताबनाक रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, प्रोग्राम को आपको दिखाया जाएगा डेफिनेटली, जो भी उसमें सारी इन्वेंशन हो जाएंगी, जो भी चीज़ें हो जाएंगी। बिटू सैगल है, बाकी एडवोकेट नदीम कादरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, या जो नेचुरल जो सेंचुरी एशिया है वो यहाँ पे मौजूद है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, वो लोग यहाँ पे मौजूद है। इट इज़ गोइंग टू बी इन कोलैबोरेशन, तो बहुत अच्छा रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एज वेल, आप सब लोगों को, कि आप इसको अच्छे से देखें और जो भी चीज़ें रहेंगी आपको दिखाई जाएगी। मेरे साथ बहुत से यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज जस्ट बी यू नो स्टेड हियर, आप आराम से हमेशा मेरे साथ रहिए, जो भी आपके कमेंट्स होंगे लेकिन बात कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाऊंगा, उसके बाद हम चलते हैं कॉन्वेंशन सेंटर पे। So as far as I'm concerned, I honestly feel that the kind of way this has been organized by you and the way in which everybody has come together, this is an example to the whole country of the whole world ki agar hum jud jaye to kuch bhi kar sakte. It is wonderful. Thank you, and I am very impressed with the young people of Kashmir. Thank you so much. And what you felt after just I anchored the whole program, I just hosted it, and after meeting you, like what you felt recording me, the feedback and the old comments. So here is the thing: we were in a hall. Yeah. It did not feel as though there is a difference between the stage and the audience. It was so smooth. Yes. It was so warm. It was wonderful, and I think that this kind of a ceremony should be held more often. And we would in fact want you to come down to Bombay, to Delhi, to Hyderabad, and all these places. You must come down, obviously. And let us join together to protect nature, and you would be one person who can help us to do that. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. अभी सुबह के 6 बजे हैं, दिस इज द अर्ली मॉर्निंग टाइम एट वेलकम, यू कैन जस्ट चेक आउट किस तरीके से सारा सीन हो रहा है। और अभी हम चल रहे हैं, अभी हमें बर्ड वॉकिंग के लिए जाना है, जो हमारे पास मेन बर्ड वॉचर्स है, जो मेन लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो लेटर ऑन जो मेन पहलगाम के कुछ पार्क्स वगैरह है उनके साथ जाना पड़ेगा, और यू कैन सी द हॉर्स राइडर्स आल्सो देयर। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका तबादला और जिनका सिलसिला देखने को मिलता है, और
यही चीज़ें होती है कि किस तरीके से अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए, किस तरीके से खासकर वादी कश्मीर की जो सारी तारीख रही है इन तमाम चीज़ों को बचाया जाए। अभी हमारे पास बहुत से लोग मौजूद हैं, आपको दिखाता हूँ, सारे लोग अभी रेडी हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आई विल मीट यू जब हम बर्डवास के लिए जाएंगे तो उस टाइम आपसे मुलाकात होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है पहलगाम का सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत होता है वो देखने को मिला। और सीरियसली क्योंकि जिस होटल में रात को मैं ठहरा था लेदर के जस्ट बिल्कुल यू नो बाजू में था, सीरियसली एंड इट वाज क्वाइट ऑसम फीलिंग एंड बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा था ना कि हम लोग आते हैं कभी कभार दिन को आते हैं, मैं बचपन में आया था इन तमाम चीज़ों के बारे में, आज फिर नाइट्स में वो सारी चीज़ें डेफिनेटली इट वॉज ग्रेट। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम देखना चाहते हैं, चाहे बर्ड वॉचर्स के साथ देखेंगे कि कौन कौन बर्ड्स क्या है, क्या सीजन रहता है उनका, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं उनकी तरफ, वहाँ पहुँच के आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। Myself seen wooden commodes in that part. So this was rebuilt, and Maharaja used to come here for hunting, mainly Hangul. We have Hangul here, and this is the only among the few places outside Dachigam where you get this Kashmir red deer or Hangul. हम इस टाइम पे ओरा ऑडू पार्क में हैं जो पहलगाम में अपहिल्स में ही लोकेटेड है। तो ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि बर्ड फेस्टिवल है यहाँ पे, तो बर्ड फेस्टिवल के साथ साथ बहुत सी टीम्स बनाई गई जो बर्ड वॉचर्स है, बर्ड एक्सपर्टीज़ है, हमारे साथ मौजूद भी थे और डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए, आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं। और जो मेन बर्ड वॉचर्स हैं ना उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं या सारी चीज़ें हैं वो लेके हमारे साथ मौजूद है, आगे चल रहे हैं वो लोग भी, तो देखते हैं। इट्स गोइंग टू बी इन ग्रेट बिकॉज आई नेवर एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ एन थिंग्स इन माई लाइफ। तो इट्स रियली ग्रेट, आप मेरे पीछे देख सकते हैं डाउन स्ट्रीम्स बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत का नज़ारा सुबह के, ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स 7 या तो, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है। और अभी हम यू नो आई कैन जस्ट कॉल इट एज ए ट्रैकिंग बिकॉज इस चीज़ के बारे में ऐसे होना, तो विल मीट यू सून इंशाल्लाह। अभी हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, फिलहाल आ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस हो रही है बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्रैवलिंग इन सच अ वे। अभी हमारे पास जो बर्ड वॉचर है लाइक यू नो आप देख सकते हैं वो अभी वहाँ पे, उसको कोई बर्ड नज़र आ रहा है, ही इज़ इन मिस्टर सागर भरद्वाज, मिस्टर गोविंद सागर भरद्वाज सॉरी, एंड ही इज़ इन बर्ड वॉचर एज इन यू नो एक्सपर्टीज इन दैट वेरी फील्ड। तो अभी उनके साथ यहाँ पे है, डेफिनेटली उनके साथ भी आपकी कुछ मुलाकात करवाएंगे, बातचीत होगी। Seriously, you know, this has been amazing. I will show you how he is just looking towards these kind of birds. And he just said that this is an awesome place. And definitely, we just want to preserve it because this is awesome. Just let's make him. So, actually, I already told you that I'm bird watching ke liye hai. And definitely, I have along with us a mentor. He is in Mr. Gobind Sagar Bhardwaj here. Definitely, unse baat karenge in cheez ke baare mein. Sir, how it felt to you and kaisa laga aapko yahan pe aake? Thank you, Mr. Islam, yes. And I have been invited in this World Festival, yes. Which is being organized by Tourism Department, yes. Of J&K in collaboration with BNHS and Sanctuary Foundation, yes. Along with the Forest Department of J&K. Yes. And for last 2 days, we are here in Pahalgam, mm-hmm. And today we are having excursion in the
beautiful jungle of this conifer forest of this wildlife sanctuary, which is named as Ohera Aru Wildlife Sanctuary. It's fantastic. You can see so beautiful trees, devdar trees, along with the kyle, that is blue pine trees, and many other species. Yes. And our group, we are seeing local birds, which are Himalayan birds. Yes. And it's a fantastic experience that we are having, and meeting people of this area and just exchanging our ideas, how we can preserve, how we can conserve this pristine ecosystem, which is existing still today. Obviously. Thank you so much. And you know, this was Mr. Gobind Sagar Bhardwaj. Definitely his inbred expertise, I can say. Definitely the outlooks as well as the commendable job they have done, that's really commendable as well as appreciable. Thank you so much. We'll meet you with next episode. Thank you so much. Thank you. तो अभी हम सब ने बर्ड वॉचिंग का सिस्टम जो है उसको हमने कंप्लीट किया, एंड राइट नाउ जो ब्रेकफास्ट वगैरह का जो सारे सिलसिला था वो भी हमने कंप्लीट किया था क्लब में ही, जो कॉन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे, एंड सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे. नाउ लेटर ऑन तो अब डिस्कशन ये हुआ था कि ठीक है, गोल्फ कोर्स जो पहलगाम का है यहाँ पे हम जाते हैं, सो डैट यहाँ पे कुछ डिबेट्स और डिस्कशन रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटीज एंड रिगार्डिंग कश्मीर की जो मेन जो वाइट लैंड है या बाकी जो टूरिज्म का सिलसिला है उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है. तो अभी आप मेरे पीछे जो मनाजिर देख सकते हैं, तो अभी हम यहीं पे हैं जो पहलगाम का गोल्फ कोर्स सेंटर है, यहाँ पे मौजूद है, सारे लोग यहाँ पे मौजूद है. बहुत अच्छा लगा, यू नो द एप्रिसिएशन, द फीडबैक एंड द कॉमेंट्स विच पीपल गॉट फ्रॉम द वेरी आई कैन सी द ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक मिस्टर बिट्टू सहगल इज, मिस्टर विक्रम ग्रेवाल इज, मिस्टर प्रवेश पांड्या. बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में, यू नो, हमारे बीच में सारी चीज़ें रखी. और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मतलब दिस इज़ रियली अमेजिंग. और मैं जहाँ तक मुझे लगता है ना कि मतलब कश्मीर सीरियसली, क्योंकि हम जब भी देखते थे वी नेवर गॉट इनटू इट की, और सीरियसली दिस हैज़ बीन माय फर्स्ट टाइम की आई हैव बीन इनवाइटेड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट एज एन एंकर टू दिस प्रोग्राम, और लेटर ऑन इसको इस तरीके से डेवलप करना, इसको इस तरीके से प्रमोट करना, मतलब दिस वॉज रियली अमेजिंग. एंड आई जस्ट फील इट कि ठीक है, लेट्स गो टू इट एंड देखते हैं किन चीज़ों के बारे में क्या करना है. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं डिस्कशन का सिलसिला भी क्या रहेगा. बर्ड वॉचिंग का सिलसिला तो खत्म हो चुका है, और जैसा भी होगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. तो प्लीज बी स्टेटेड हियर एंड स्टे ट्यून्ड हियर, आई विल बी लेटिंग यू नो सून कि जो भी हो रहा है, किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी, डिस्कशन किस चीज़ के बारे में होगा, और जैसे आप डॉक्टर असद रहमानी साहब इजियर है, बाकी पर्सनैलिटीज़ हैं, वो इस चीज़ के बारे में डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे. तो आप भी बने रहिए मेरे साथ, अभी आप थोड़े से गोल्फ कोर्स के मनाजिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा. प्लीज़ बी सीटेड, बी स्टेटेड हियर, आप इस चीज़ को देखिए, और तब तक दोबारा आपसे मुलाकात होगी.